क्लास को प्रारंभ किया जाए। जी, इसे अभी जो हम लोग देख रहे हैं वो एक भाव को दूसरे भाव से रिलेट कर समझ रहे हैं चीजों को, क्योंकि कुछ कुछ जो प्रेडिक्शन होती हैं वो ऐसे ही हम कुंडली से देख लेते हैं और जो समझ में आ जाता है। जैसे आज इस कुंडली पे हम चलेंगे, ठीक है। इसको ड्रॉ कर लें क्या? हाँ, ड्रॉ कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अच्छी बात। इस कुंडली का जो लग्नेश है वह चंद्रमा है, ठीक है। मान लीजिए आवाज जा रही है आप लोगों की, ये माफ करना, हमारी आवाज आप लोग तो पहुंच रही है अच्छे से। हाँ, सर हाँ पहुंच गए। धन्यवाद। तो इस कुंडली में लग्नेश क्या है? चंद्रमा है। तो फर्स्ट भाव का मालिक कौन? चंद्रमा। यदि फर्स्ट भाव का स्वामी यदि फर्स्ट में ही बैठेगा तो क्या देगा? यहाँ चंद्रमा को ये नहीं करना है, चंद्रमा को मानना नहीं है, सिर्फ हमें समझना है इस घर का मालिक बैठ गया है। हमें यह देखना ही नहीं है कि वह कौन ग्रह है, उस पर चर्चा आगे हम करेंगे, उस पर अभी चर्चा हमें नहीं करना है। अभी हमें यह समझना है कि भाई पहले भाव का मालिक पहले भाव में ही बैठ गया। पहला भाव क्या है? पहला भाव हम स्वयं हैं, ठीक है। ठीक है, हम अपने आप अपने से क्या चाहते हैं? जी, हम आपसे क्या चाहते हैं? आजादी, मैं आजाद रहूं, मेरा प्रभाव हो, मुझे नेम फेम मिले, मुझ पे कोई जैसे कोई बंदिश ना लगाए। बंदिश अर्थात जी, पता है सर, बंदिश पता है। धन्यवाद, कोई हमारे ऊपर बंदिश ना लगाए, ये सब चीजें है। तो यह यदि फर्स्ट हाउस का जो लॉर्ड है, प्रथम भाव का जो स्वामी है, जो प्रथम भाव का जो भावेश है, यदि प्रथम भाव में ही बैठ जाए तो यहाँ इन सब चीजों को वो दे रहा है। यदि प्रथम भाव का स्वामी दूसरे में बैठ जाए तो क्या देगा? पहला भाव किसे कंट्रोल कर रहा है? दूसरे भाव को कंट्रोल कर रहा है। दूसरा भाव क्या है? पैसा है, धन है ना, भोजन है। उस व्यक्ति का जो सरवाइव वो पूरे जीवन कैसेगा वह है, उसके साथ में उस व्यक्ति का गला भी कह सकते हैं, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के अंतर्गत वह भी आ जाएगा। ये सब चीजें हैं। इसी प्रकार का उसे एडिक्शन है या नहीं है वह भी देखा जाएगा। तो इन सब चीजों पे उस व्यक्ति का कंट्रोल होगा, उन सब चीजों पे उस व्यक्ति का कंट्रोल होगा। आज तक हम बात करेंगे पांचवें भाव पे, पहले इसे थोड़ा हम समझ लेते हैं, ठीक है। तो दूसरे भाव पे इस व्यक्ति का कंट्रोल है, अर्थात इस व्यक्ति का पैसे पे कंट्रोल किसका होगा? इसके किसी व्यक्ति का नहीं, इसका खुद का होगा। इसके माता पिता, इसके पति पत्नी कोई इससे कंट्रोल नहीं करेंगे, इसके पैसे को यह आप कंट्रोल करेगा, ठीक है। ये चीजें यहाँ आ रही हैं। यही यदि लग्नेश तीसरे भाव में चला जाए, थर्ड हाउस में चला जाए, तो क्या कंट्रोल कर रहा है? वो अपने पराक्रम को, अपने छोटे भाई बहनों को कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। इसके छोटे भाई बहन जो होंगे वो इसके कंट्रोल में होंगे। यह क्या करेगा, अर्थात एफर्ट्स कहाँ देगा, कहाँ नहीं देगा, कहाँ परिश्रम करेगा, कहाँ नहीं करेगा, इसके कंट्रोल में है। कोई इसे कह दे कि बड़ा वहां से एक गिलास पानी ले आओ तो इसका कंट्रोल है, मन होगा तो करेगा, नहीं होगा नहीं करेगा। जो तीस थर्ड हाउस का जो डोमेन है ना, उस पे कंट्रोल किसका होगा? लग्नेश का है कंट्रोल, इसका खुद का कंट्रोल है। तीसरे भाव को यह कौन डोमिनेट कर रहा है? यह खुद डोमिनेट कर रहा है तीसरे भाव को। यदि फोर्थ में बैठ जाए तो जातक कहाँ चला गया? अपने घर में, घर में उसे मन लगेगा, ठीक है। वाहन, गाड़ी, ये सब जो चीजें हैं इसमें इसकी रुचि हो सकती है। घर का जो वातावरण है इसे बेहद आनंद आएगा। इस कुंडली को अभी मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि अभी कुछ देर पहले ही इस कुंडली पे हमारी चर्चा चल रही थी,
इनकी कंसल्टेंसी मैंने आज ही की है, ठीक है। तो इनका जो चंद्रमा है ना ठीक चौथे भाव में बैठा है, इस स्थिति में इनका जो मन है वो सदैव घर में ही लगा रहता है। इमीडिएट फैमिली जो इनकी है उसमें ही इनका मन लगा रहता है। यदि चंद्रमा इनका पांचवे में जाए तो इनका कहाँ कंट्रोल होगा? इनके संतान पे, इनकी शिक्षा पे, इनका कंट्रोल वहां हो जाएगा, पूर्व जन्म के कर्म पे। अब कहिए पूर्व जन्म के कर्म पे इस कैसे व्यक्ति का कंट्रोल हो सकता है? पूर्व जन्म का कर्म कर्म हमें क्या देता है, इस जन्म में अच्छा या बुरा देता है? तो इस जन्म में यह क्या क्या कर्म देता है? अच्छा, करेंगे, जो पूर्व जन्म के हमारे कर्म होते हैं वो मैंने क्या किया है उसके अनुसार ही हमारा प्रारब्ध तैयार होता है इस जन्म का, ठीक है। तो जो पूर्व जन्म है, पूर्व के जो पास्ट लाइफ के पुण्य पुण्य कर्म या पाप कर्म, या दोनों कहाँ से देखेंगे हम? पांचवे भाव से ही देखेंगे, फिफ्थ हाउस से ही देखेंगे। तो यदि इस कुंडली का चंद्रमा, क्योंकि लग्नेश चंद्रमा है, इस कुंडली का चंद्रमा यदि जाके पांचवे में बैठ जाए तो उस व्यक्ति के साथ क्या देगा? उस व्यक्ति को सबसे पहले यह कर देगा, शिक्षा पे उस व्यक्ति का कंट्रोल हो जाएगा। ध्यान हो आपको मैंने मेलेफिक और बेनिफिक पढ़ाया था, उसको भी इसमें इंक्लूड करेंगे, परंतु समझेंगे पहले ही से, ठीक है। तो चंद्रमा को हमें वहां रख रहे हैं, तो शिक्षा, इसके बच्चे, पूर्व जन्म के कर्म, अर्थात पूर्व जन्म के कर्म इसके कैसे रहे, ठीक है, उसके अनुसार यह काम करेगा, खुद करेगा। यदि इसके पूर्व जन्म के कर्म खराब रहे हैं तो उसे यह ठीक करने का खुद प्रयास करेगा, ठीक है। उसके अनुसार अब आगे हम बढ़ते हैं। चंद्रमा यदि छठे में चला जाए तो चंद्रमा क्या दे रहा है? रोग ऋण शत्रु। चंद्रमा अर्थात ये जो व्यक्ति खुद है ना, वह अपने शत्रुओं को कंट्रोल करेगा। बहुत अच्छी बात है। जो लोग सोचते हैं अरे यार हमारे शत्रु ऐसे कर रहे हैं हमारे साथ, यह व्यक्ति खुद अपने शत्रुओं को कंट्रोल करेगा, अपने कर्ज को ये खुद कंट्रोल करेगा, कर्ज यह लेगा या नहीं लेगा यह खुद कंट्रोल करेगा, यह अपने डेली रूटीन को खुद कंट्रोल करेगा, यह एक्सरसाइज करेगा या नहीं करेगा यह खुद कंट्रोल करेगा। अब आप कहोगे तो भाई सबके साथ होता है, यह तो सब लोग करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है। कुछ लोग ऐसे आपको मिलेंगे जिसका, मान लीजिए समझिएगा इसे, 11वें भाव का स्वामी, जैसे 11वें भाव का स्वामी कौन है? शुक्र है ना। शुक्र यदि चला जाए यहाँ, ठीक है, तो यहाँ क्या देगा शुक्र? यह व्यक्ति को कौन डोमिनेट कर रहा है? इसके फ्रेंड सर्कल हैं, बात कर रहे हैं। यदि इनका फ्रेंड सर्कल रूटीन में चलेगा तो यह भी व्यक्ति रूटीन में आ जाएगा। यदि इनका जो फ्रेंड सर्कल है वो एक्सरसाइज करेगा तो वो भी करेगा। यदि इनका फ्रेंड सर्कल है वो अच्छे काम में जाएगा तो वो भी करेगा। यदि इनका फ्रेंड सर्कल बुरे काम में जाएगा तो वो भी बुरे कर्म को ही करेगा। समझ में आ रही है? तो यह सर जो व्यक्ति है, हाँ यह जो व्यक्ति है जिसका लग्नेश, जो लग्न का लॉर्ड है, वो छठे में चला जाए तो वो क्या करेगा? एक मिनट समझ दीजिएगा, सॉरी। सॉरी, जैसे इस कुंडली में मैंने क्या समझा, लग्नेश छठे में बैठा है, छठे में बैठा है तो छठे भाव से संबंधित चीजें यह कंट्रोल कर रहा है, अपने आप में खुद कंट्रोल कर रहा है। इस व्यक्ति को
मैंने आज एक सलाह दिया है कि जब भी आप घर बनाओगे तो आप लोन लेकर घर बनाओ। ऐसा मैंने क्यों बताया आप लोग बताइए, जो कल क्लास में थे वो बता सकते हैं, नहीं तो बताएंगे ही। इस व्यक्ति को मैंने एक क्योंकि रेबिट, 6th house लोन, सिक्स हाँ ठीक है, सिक्स हाउस लोन तो हाउस उसे रिलेट हम लोन कैसे हाँ कर रहे हैं। उस प्रो कल आपने बताया था यदि लोन लेकर बनाएगा तो उसके लिए अच्छा रहेगा करके, कल आपने कैसे ऐसा कुछ इस, बताया था, हाँ ठीक है ठीक शनि है के ठीक कुंडली देख के आपने कुछ है, बताया हाँ था। हाँ ठीक है, परंतु इस कुंडली में कैसे अच्छा रहेगा वह बताइए। 6 साल तो लोन है, लोन है, मुझे समझ में आ गया। क्योंकि जैसे सिक्स चंद्रमा का साल जो चंद्रमा 4th house में बैठे हैं, ठीक है ठीक है, नहीं ऐसा नहीं है। देखिए रिलेशन, रिलेशन समझ में आ गया आप लोगों का। 6 भाव का, सिक्स का जो स्वामी है वह गुरु है। गुरु कहाँ बैठा है? घर में बैठा है। यदि यह व्यक्ति लोन लेकर घर बनाएगा तो इसके लिए बहुत अच्छा रहेगा, सुखद जीवन जिएगा। यदि यह व्यक्ति लोन लेकर घर नहीं बनाएगा तो जैसे ही घर बनाएगा कोर्ट केस आ जाएगा, बीमारी आ जाएगी और बहुत सारी चीजें इसके घर में चली आएंगी, क्योंकि इसने छठे भाव के किसी भी एक कैरेक्टर स्टिक को या छठे भाव कारक तत्व तो को इसने नहीं लिया। ठीक है, क्लियर हो गया? मुझे इसको हाँ बोलते हैं यूटिलाइजेशन। हाँ ये तो यूटिलाइजेशन आप कह दीजिए, कर्मा टेक्निक से आप कह दीजिए, यूटिलाइज करना कह दीजिए, वो सब आप कह सकते हैं, परंतु आप किसी को यूटिलाइजेशन, या एक्टिवेट कर लिया, या हाँ ठीक है, एक्टिवेट कर हाँ लिया इसने ये वाला। तो एक्टिवेट करना इसे ही उपाय भी हम कह सकते हैं, यूटिलाइजेशन भी, या फिर कर्मा अलाइनमेंट टेक्निक भी इसे हम कह सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, तो इसे सरल भाषा में कहा जाए तो इसे हम उपाय ही कहेंगे, क्योंकि जैसे हम या आप किसी को कुछ बताते हैं ना तो अगले व्यक्ति के मस्तिष्क पे, माइंड पे उसका प्रभाव पड़ता है। यदि उसे हम यूटिलाइजेशन बोलेंगे कि आप यूटिलाइज कर लो, आप एक्टिव कर लो, तो वो उसे थोड़ा कम इम्पैक्ट देगा, थोड़ा कम प्रभाव देगा। यदि उसी चीज को यदि हम उपाय कह के उसे बता रहे हैं तो व्यक्ति को समझिएगा, अच्छा पंडित जी ने उपाय बताया है, इसे मैं करूंगा तो ठीक हो जाऊंगा, क्योंकि उसे सालों 10 साल 20 साल 50 साल से, जब से वो जन्म लिया है तब से उसके दिमाग में यही बैठाया गया है कि भाई ब्राह्मण या जो पंडित जी होते हैं, जो एस्ट्रोलॉजर होता है, वो उपाय देता है। ठीक है, इसलिए वो अच्छे से इस चीज पे काम कर पाएगा। यदि उसे हम जी बोल दें जी यूटिलाइज कर रहा है, हाँ तो वो समस्या ले आएगा। ठीक है, अब देखते हैं इसके मुझे ये कुंडली हम में। लोग आपस में समझ रहे हैं, ये अपन लोग हाँ अपने हाँ ज्योतिष की भाषा में स्वयं के लिए। हाँ ठीक है ठीक, कोई बात नहीं। ठीक है, मैं इसलिए इन सब चीजों को आपके सामने रख रहा हूँ ना, क्योंकि आगे जाके यदि आप पढ़ाते हो, यदि आप कंसल्टेंसी देते हो किसी को, तो अगला व्यक्ति जो सामने आपके बैठा है ना, वो इन सब चीजों को नहीं जानता है। ठीक है, उसे सिर्फ हमारे प्रेडिक्शन से और हमारे रेमेडी से उस लो होता है। वो उसे ज्योतिष में कौन कहाँ बैठा है, कौन क्या कर रहा है, कौन किसको यूटिलाइज करेगा, उससे उसको मतलब नहीं है। उसको सिर्फ यही मतलब होता है कि भैया मुझे उपाय दे दो और भाई मेरा प्रेडिक्ट कर दो कैसा क्या रहेगा, और उसे कोई मतलब फिर नहीं है, स्पष्ट है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। ठीक है, मान लीजिए इसका जो चंद्रमा है वो यहाँ बैठ जाए, इसका चंद्र यदि यहाँ बैठता है तो क्या देगा? लग्नेश बैठ गया 7वें भाव पे। बहुत ही रोचक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जैसे लग्नेश यस या खुद अपने अपने दाम्पत्य जीवन को खुद कंट्रोल करेगा। ठीक है, यदि इसका कोई पार्टनर बिजनेस में होगा तो उस बिजनेस को यह खुद कंट्रोल करेगा, पार्टनर को भी यह खुद कंट्रोल करेगा। ठीक है, मान लीजिए 10वें भाव का, इस कुंडली में 10वें भाव का स्वामी कौन है? शनि है। माफ करना, 7वें भाव का,
शनि को हम कहाँ बैठा लिए? यहाँ। अब बताइए इस व्यक्ति का जो स्पाउच होगा, जो इसका जीवन साथी होगा, वो किसे कंट्रोल कर रहा है? इस व्यक्ति को कंट्रोल कर रहा है। इसका पार्टनर इसे कंट्रोल करेगा, इसका बिजनेस इसे कंट्रोल करेगा। अब कैसे कंट्रोल करेगा? बिजनेस बेहतर है तो ये बहुत अच्छा है, खुश है भैया। यदि बिजनेस डाउन चला गया तो इसकी तबीयत खराब हो गई, हेल्थ खराब इसका हो गया। ठीक है, ऐसे ये काम करेगा। यदि चंद्रमा इसी कुंडली में, चंद्रमा आठवें में चला जाए, तो वह किन चीजों को डोमिनेट कर रहा है, किन चीजों को वो कंट्रोल कर रहा है? लग्नेश जो जातक है वो किन चीजों को कंट्रोल कर रहा है? चंद्र यहाँ आ जाएगा तो उस व्यक्ति के लिए ज्योतिष बहुत अच्छी चीज है। ऐसे हम लोग ज्योतिष में मानते हैं कि आठवें भाव चंद्रमा चला जाए या कोई वैसा ग्रह चला जाए तो वो खराब होता है, परंतु तो हम लोग यूटिलाइजेशन को, मैं शुरू से प्रथम जो क्लास हमारी थी, पहला क्लास था, उससे ही मैं यूटिलाइजेशन को लेकर चल रहा हूँ, क्योंकि वो आप लोगों के दिमाग में फिट हो जाए, खासकर अपने जीवन को लेकर, कि हम अपने जीवन को कैसे बेहतर बना सकें। तो चंद्रमा यदि आठवें में चल जाएगा तो इस व्यक्ति के लिए मैन्युफैक्चरिंग का काम कंट्रोल कर लेगा, या व्यक्ति एस्ट्रोलॉजी को अच्छे से कंट्रोल कर लेगा, अर्थात एस्ट्रोलॉजी को ये समझना चाहे तो बहुत अच्छे से समझ लेगा, अपनी पीड़ा को ये खुद कंट्रोल करेगा। तो ससुराल में भी इसी का कंट्रोल होगा क्या सर? हाँ, ये बात भी सही है। तो लॉटरी ससुराल वॉटरी में वो यह सब व्यक्ति लगने पर कंट्रोल करेगा। भी रह जाते हैं? नहीं, इस पे तो हम बात करेंगे कि मैलिफिक प्लैनेट है या बेनिफिक प्लैनेट है, क्या योग बन रहा है, वो अलग विषय है। हम कंट्रोलिंग फैक्टर बात कर रहे हैं। हाँ, लॉटरी वगैरह में जा सकता है, कर सकता है, ठीक है, लेकिन वो आएगा या नहीं आएगा, जीतेगा या नहीं जीतेगा, वो अलग मैटर है। तो ससुराल में भी बहुत अच्छा रुचता आपने कहा कि ये ससुराल में इस पर्सनल व्यक्ति की थॉट के लिए चलेगी अपना हाइट कर देगा क्या इस हिसाब से? तो क्या? चंद्रमा बैठा है तो पर्सनल फॉल्ट जो है वो भी वो हाइट कर सकता है ना, मतलब हाँ, वो निजी अपने दोस्त दोस्त, को भी होगा। हाँ 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 आराम से अपनी चीजों को ऐसा व्यक्ति गुप्त भी रखेगा। इसके जीवन में आकस्मिक परिवर्तन भी तो आ सकते हैं। हाँ, आकस्मिक परिवर्तन आ सकते हैं इस व्यक्ति के जीवन में, वो कोई बड़ी आकस्मिक बात धन लाभ, धन नहीं। जी लाभ आकस्मिक। नहीं, आकस्मिक परिवर्तन हम कह सकते हैं, लेकिन आकस्मिक धन लाभ हम नहीं कह सकते हैं। उसके लिए आकस्मिक धन लाभ या आकस्मिक दुर्घटना वगैरह, उनके लिए और भी चीजों को देखना होगा। अभी सिर्फ हम यह देख रहे हैं आप तो जी, कि कंट्रोल कैसे करेंगे, कंट्रोलिंग फैक्टर जो है वह कैसे काम करता है, आप किन किन चीजों को कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, जैसे यह जो लग्नेश है, जो खुद व्यक्ति है, वह किन चीजों को, जैसे किसी भी कुंडली में, आपकी कुंडली ले या किसी अपनी कुंडली ले लें, हम हर कुंडली में पर्टिकुलर किसी भी भाव में लग्नेश जाके बैठा होता है। ठीक है, आप देखेंगे वह व्यक्ति से आप कोई प्रश्न पूछेंगे उस भाव से अंतर्गत, तो स्पष्ट रूप बता देगा। जैसे ये जो इस व्यक्ति का आठवें बैठा है, इस व्यक्ति की लॉटरी में रुचि, हम कह सकते हैं कि लॉटरी में इस व्यक्ति की रुचि होगी, हमेशा चक्कर में पड़ा होगा कहीं से आकस्मिक धन लाभ आ जाए, आकस्मिक चीजें मुझे मिल जाए। मिलेगा या नहीं मिलेगा वो आगे का मैटर है, अभी का नहीं है, परंतु इस व्यक्ति की रुचि उसमें हो सकती है। ठीक है, और चंद्रमा बैठ जाए, अभी हम ग्रह को नहीं ले रहे हैं, ग्रह को लेंगे तो समझेंगे, परंतु यदि चंद्रमा बैठ जाए यदि चंद्रमा बैठ जाए तो व्यक्ति के लिए थोड़ा कष्टदायक हो जाएगा। ठीक है, क्यों कष्टदायक हो जाएगा? क्योंकि आठवां भाव जो है ना, वो उचित नहीं माना जाता है कुंडली के अंतर्गत, तो इसलिए थोड़ा कष्टदायक, मानसिक रूप से थोड़ा कष्टदायक हो जाएगा। और ऐसे कहा भी जाता है यदि आठवें में चंद्रमा चला जाए तो स्थितियां बहुत ही
मानसिक रूप में बेकार हो जाती है। अब मान लीजिए लग्न का जो स्वामी है वो 9वें में चला जाए, ठीक है, व्यक्ति किन चीजों को कंट्रोल करेगा? अब यहां बोलेंगे तो आप लोग कहेंगे कोई व्यक्ति पिता को कंट्रोल कर सकता है? हाँ, इनके पिता जो होंगे इतने सौम्य होंगे, इतने जैसे सॉफ्ट सॉफ्ट इनके पिता होंगे कि इनकी चीजों को वो कहेंगे हाँ ठीक है बेटा जो करना है कर लो, ऐसे इनके पिता होंगे। वो बहुत लकी भी होगा सर, और हाँ, उसके लकी भी हो पूर्वज जो सकता है होंगे उसके ऊपर आशीर्वाद होगा, उसका हायर वो, एजुकेशन भी शायद अच्छा होगा जैसे इन सब और में रिलीजियस भी यह, होगा। एक मिनट, इन सब को यह कंट्रोल करेगा। अब हायर एजुकेशन यह करेगा या नहीं करेगा यह अभी नहीं हम पता कर सकते हैं, यह हम नहीं पता कर सकते हैं। हायर एजुकेशन में इसकी इच्छा है। अब समझिएगा इसे थोड़ी सी, जैसे आप लोग थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं और कुछ नहीं हो रहे हैं। जैसे मान लीजिए लग्न का स्वामी 9वें में चला गया तो इसे हायर एजुकेशन होगा, ठीक है। अब यह करेगा या नहीं करेगा इसे कौन कंट्रोल करेगा? यह व्यक्ति खुद करेगा। जब आप ऐसे व्यक्ति से पूछिएगा तो व्यक्ति खुद बोलेगा कि हाँ मुझे तो आया था, मतलब ऑफर आया था हायर एजुकेशन का, मैंने नहीं किया या मैंने किया, ठीक है। या खुद उस चीज को डिसाइड करेगा कि मैं करूं या नहीं करूं। धर्म यात्राएं, धर्म यात्रा हम 9वें भाव से देखते हैं, तो धर्म यात्रा यह व्यक्ति करेगा या नहीं करेगा या खुद डिसाइड करेगा। इसके ऊपर किसी और का प्रेशर नहीं रहेगा, किसी का प्रेशर नहीं झेल सकता है इस चीज में कि कोई इसे बोल देगा कि जाओ धर्म यात्रा कर लो तो कर लेगा, नहीं। ईश्वर इच्छा, जैसे अभी मैंने बताया ना कि मान लीजिए देखिए इसे जो है यहाँ 12 ए 9वां भाव जो है वहां का स्वामी गुरु है। अब गुरु को हम यहाँ ले आते हैं लग्न, ठीक है, यहाँ क्या करेगा? इसके पिता इसे डोमिनेट करेंगे। इस व्यक्ति के जो पिता होंगे ना वो इस व्यक्ति को डोमिनेट करेंगे। यदि इस व्यक्ति को कहा जाएगा कि धर्म यात्रा करने चलो, इसके पिता बोलेंगे तो ये जाएगा, ये मना नहीं कर सकता है क्योंकि इसके पिता इसे डोमिनेट कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी हम सिर्फ कंट्रोलिंग फैक्टर है ना उसे समझ रहे हैं कि यह व्यक्ति कंट्रोल कर रहा है। अब उस व्यक्ति के कर्म पर आधारित है कि वह व्यक्ति करेगा या नहीं करेगा, या वहां जो ग्रह बैठेंगे उस पर निर्धारित है कि वह करेगा या नहीं करेगा। जैसे 9वें भाव की हायर एजुकेशन की बात है, ठीक है, यदि लग्नेश वहां जाकर बैठ जाए तो व्यक्ति हायर एजुकेशन करेगा या नहीं करेगा कौन तय करेगा? वहां का ग्रह। हायर एजुकेशन उसके लिए है, अब करेगा नहीं करेगा वो कौन तय करेगा? वहां का ग्रह तय करेगा, ठीक है। यदि वहां कोई ग्रह नहीं बैठा है तो वहां की राशि तय करेगी। ग्रह कैसे तय करेगा? ग्रह यदि मेलिफिक प्लैनेट हो तो उसकी इच्छा होगी भैया क्या करें नहीं करें, यदि बेनिफिक प्लैनेट हो वो तो उत्पत्त कर लेगा कि नहीं चलो चलना चाहिए हायर एजुकेशन में, चले जाएंगे हम करेंगे, हम उस पर चलेंगे। सर पहले मुझे अभी समझ भाव नहीं, को, ठीक हाँ अभी समझिएगा, पहले अभी भाव को है रिलेट ठीक करना है। सीख लीजिए। क्या हाँ रुचिता? वही हम बोल रहे हैं। आप जैसे कल गुरु का आप बताए थे ना ग्रह, मतलब तो उसमें संतान था, तो यहाँ वो पिता कैसे हो गया उसको कंट्रोल करने वाला? फर्स्ट आप जो बोले लग्नेश में, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये कैसे आप रिलेट कर रहे हैं, वो ठीक है कैसे ठीक उसको है ठीक कंट्रोल कर है, रहे हैं वो हम उसको? ठीक है, हम समझा रहे हैं आपको। देखिए यहाँ जो है वो समझिए इसे, इस भाव का स्वामी कौन है? गुरु गुरु इस भाव का स्वामी गुरु है, ठीक है। हाँ दूसरा, नाइन्थ भाव का भी स्वामी गुरु रहता नाइन्थ भाव की ही बात कर, नाइन्थ भाव का स्वामी गुरु है। इस भाव का जो कारक तत्व होता है वह क्या है? पिता है, पिता है। धर्म। रुचिता, जी सर पिता है ना, इस भाव का जो कारक तत्व, जो कैरेक्टरिस्टिक है वह पिता है 9वें भाव का। अच्छा जैसे जो कैरेक्टरिस्टिक, जो कारक तत्व तो मैंने आपको बताया है उसमें आप देखिए 9वें भाव का जो कारक तत्व है वह पिता है,
तो यदि नौ भाव क्या है, पिता है, और उस भाव का जो स्वामी, उस भाव का जो मालिक है, वह जाके कहाँ बैठ गया, लग्न में बैठ गया। तो इस व्यक्ति को कौन कंट्रोल, लग्न क्या है, स्वयं है, जातक स्वयं है, व्यक्ति खुद है, तो इसको कौन कंट्रोल कर रहा है, उसके इसके पिता इस पिता व्यक्ति को कंट्रोल कर रहे हैं। समझ में आया? जी सर। नहीं, सर नहीं आ रहा है तो जी सर नहीं बोलना है। नहीं समझ आ रहा है फिर पूछिए, मैं फिर बताने को नहीं आपको सर, तैयार हम नहीं, हम कारक ढूंढे हैं, वो तो मिल गया, पर हूँ। उसमें गुरु का, गुरु ज्ञान ध्यान कुटुंब ऐसा लिखा हुआ है, तो वह पिता का कहाँ आ गया करके हम सोच रहे हैं। कारक तत्व नहीं जो नहीं लिखवाए हैं ना, सूर्य का पिता और नहीं हम सूर्य। गुरु की, एक मिनट एक मिनट, आप समझ नहीं रहे हैं। जैसे आप क्या कर रहे हो ना, आप ग्रहों को बीच में ले आ रहे हो। अभी हम ग्रह को ले ही नहीं रहे हैं, अभी सिर्फ हम भाव को ले रहे हैं। आप नाइन्थ भाव को देखिए और प्रथम भाव को देखिए, फर्स्ट हाउस और नाइन्थ हाउस को देखिए, ठीक है? आपको अभी समझे सर, ग्रह को समझ गए। देखना ही अच्छा नहीं है। अब समझ में आया? हाँ, लॉन्ग यात्रा, हाँ समझ में आया सर। नाइन्थ भाव पिता का वो रहता है, एग्जैक्टली समझ गए। अब समझ में आया दोस्त? आपको समझ में आ रही है चीजें जी? जी सर, आ गई, अब आ गई। तो वैसे ही, तो ये जो व्यक्ति, अभी हम लग्न की बात कर रहे हैं, तो लग्न जो है, यदि लग्नेश, लग्न का स्वामी जो है, वह यदि जाकर नाइन्थ हाउस में बैठ जाए, तो वह उस व्यक्ति को क्या दे रहा है, वह अपने पिता को, अपनी धर्म यात्राओं को, अपने धर्म को कंट्रोल करेगा। कैसे? ऐसे व्यक्ति जो होते हैं ना, वो धर्म को बदल भी लेते हैं, क्योंकि वह खुद कंट्रोल कर रहे हैं, उनका कंट्रोलिंग फैक्टर उन पे है। वह खुद अपने धर्म को बदल भी सकते हैं, या अपने धर्म पे आ भी सकते हैं, या अपने धर्म को बहुत अच्छे से मान भी सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनका कंट्रोल है उन चीजों पे, ठीक है? जैसे मान लीजिए लग्न का स्वामी जो है, जो लग्नेश है, अच्छा अब लग्नेश कहने पे तो समझ में आ रहा है ना आप लोगों को, लग्नेश कौन होता है? जी सर, आ रहा है, वो सब आते हैं। गुरु जी, इसमें एक बात पूछनी थी कि ये जो बताइए। नवम भाव में, मतलब ये जो धर्म कर्म जो करेगा तो ये अपने अनुसार करेगा, लेकिन इसके पिताजी बोलेंगे ये करो तो क्या ये करेगा ना? नहीं करेगा, अच्छा, यही पूछना था। यह अपने पिता को कंट्रोल करेगा, ना कि इसके पिता इसे कंट्रोल करते। बात खत्म। ऐसा क्यों गुरु जी? क्योंकि ये ऐसा तो गुरु, क्यों बताइए? अच्छा नहीं, वो मैं, आपने मना करा ना कि वो गुरु मत देखना, ग्रह मत देखो नहीं, अभी। अभी अभी हम वही, मैं कह रहा हूँ ग्रह को देखना है, ग्रह हाँ को समझेंगे ना बाद में। हाँ जैसे तो मैंने इस कुंडली को इसलिए सामने रखी है क्योंकि आप लोग समझ पाओ चीजों को, ठीक है? गुरु जी, ये ऐसा क्यों, मतलब ये कंट्रोल करेगा पिता को, क्योंकि ये स्वयं लग्नेश है। लग्नेश जाकर कहाँ बैठा है? पिता के भाव में। तो या अपने पिता को, अपने, जैसे कहीं कहीं देखो, आपने देखा होगा स्वयं कि भाई बेटा कह रहा है पिता को कि पिताजी मैं थोड़ा यहाँ जा हूँ, मैं आता हूँ, तो पिताजी कहते हैं जाओ, ये नहीं कहते हैं कि नहीं जाओ, ठीक है? हाँ, अच्छा कहीं कहीं देख दे, आपने देखा होगा कि भाई बेटा है, पिता कह रहा है पिताजी वहां से वो दीजिएगा, डैड वहां से वो देना। वो क्या कर रहा है? वो अपने पिता को कंट्रोल कर रहा है। जी गुरु जी, जी, चीजें ठीक नहीं है, इसे हम एक्सप्लेन करने में भी मुझे उचित नहीं लग रहा है क्योंकि बिल्कुल ये उचित नहीं कार्य है, लेकिन क्या करें, कुंडली है तो उस पर चर्चा तो करनी है, ठीक है? जी अब गुरु जी, मान जी लीजिए, गुरु जी, हाँ अब मान लीजिए इस कुंडली में दसवें भाव में आके बैठ जाए,
लग्नेश जो है वो दसवें में आके बैठ जाए तो व्यक्ति को क्या देगा? इस व्यक्ति का कर्म, इस व्यक्ति का जो कर्म है ना वो यह खुद कंट्रोल करेगा। व्यक्ति खुद अपने कर्मों को कंट्रोल करेगा। मैं वो चीजें बता रहा हूँ जो एक नजर में आप किसी से पूछ लोगे कि भाई ऐसा है तुम्हारे साथ, वो मना नहीं कर सकता है। ठीक है, तो यह व्यक्ति अपने कर्म को या अच्छे कर्म करेगा या बुरे कर्म करेगा ये खुद कंट्रोल करेगा। ठीक है, ये तो आप लोग समझ गए। वैसे ही 11वें भाव 12वें भाव वैसे ही है। अब इसे थोड़ा हम चेंज करते हैं, थोड़ा इसे घुमा लेते हैं, तो ये जो चीजें आप लोगों को नहीं समझ में आ रही वो अच्छे से अब समझ में आ जाएंगे। गुरु जी 11वें भाव में ये अपनी इच्छा से ही खुद काम करेगा, खुद कंट्रोल करेगा। 12वें में भी व्यय अपने अनुसार करेगा, राइट ना, खुद ग्यारह कंट्रोल। भाव में, हाँ 11वां भाव फ्रेंड सर्कल होता है, अपने फ्रेंड सर्कल को या खुद कंट्रोल करेगा, अपनी अच्छा सोसाइटी को खुद कंट्रोल करेगा, किस समाज में रहेगा, किस समाज के लोगों के पास रहेगा या खुद कंट्रोल करेगा। ठीक है, जैसे अब हम लेते हैं इसको, जैसे मान लीजिए इस कुंडली में दूसरे भाव का स्वामी लग्न में बैठ जाए। दूसरे भाव का स्वामी यहाँ कौन है? सूर्य है। सूर्य यहाँ लग्न में आ जाए तो इस व्यक्ति को कौन कंट्रोल करेगा? इसका परिवार, इसका पैसा, इसका भोजन। भोजन कैसे कंट्रोल करेगा? यह व्यक्ति भोजन के पीछे भागेगा, जहां भोजन मिलेगा भैया ले लेना है, वो कंट्रोल इसे कर रहा है। इसका फैमिली इसे कंट्रोल करेगा, इसका परिवार कहेगा कि भैया ये काम करो तो ये करेगा। जैसे कहीं कहीं आपने सुना होगा कि अरे यार वो तो है ना, वो तो सिर्फ अपनी पत्नी का ही बात मानता है। ठीक है, या फिर ये होता है अरे उसका तो विवाह हुआ, विवाह के बाद वो तो बदल गया, वो हम लोगों की सुनता ही नहीं है, सिर्फ अपनी पत्नी की सुनता है। वहां क्या है, सातवें भाव का स्वामी लग्न में चला गया है, वो आजीवन अपनी पत्नी का ही, अपने पार्टनर का ही सुनेगा। समझ रहे हो? ठीक है, तो जैसे कल मैंने बताया था वैसे ही मान लीजिए ये आपका हो गया। चौथे भाव का स्वामी यदि लग्न में चला जाए तो इसकी माँ, इसके घर इसे कंट्रोल करेंगे। तीसरे भाव का स्वामी यदि लग्न में चला जाए तो इसके छोटे भाई बहन इसे कंट्रोल करेंगे। यदि पांचवे भाव का स्वामी लग्न में चला जाए, इसके इसके बच्चे या इसकी शिक्षा कंट्रोल करेगी, इसकी बुद्धि इसे कंट्रोल करेगी। यदि छठे भाव का स्वामी लग्न में चला जाए, इसके शत्रु इसे कंट्रोल करेंगे, लोन इसे कंट्रोल करेगा। कैसे करेगा आपको पता है? शत्रु इसे कंट्रोल करेगा, शत्रु इसे तंग करेगा तो ये खुद कंट्रोल, शत्रु इसे कंट्रोल कर रहा है। लोन, लोन ये लेगा या लोन संबंधित कुछ चीजों को ये करेगा तो वो इसे कंट्रोल करेगा। नौवे भाव का स्वामी लग्न में बैठ जाए तो पिता उसे कंट्रोल करेगा। ठीक है, सदा आपको समझ में आ रहा है? हाँ, समझ में आ रहा है। नहीं, क्योंकि आपका प्रश्न था कि समझ में चीजें नहीं आ रही। अब जो मैंने बताया था, आज हम पांचवे भाव को प्रॉपरली लेकर चलेंगे, क्योंकि नौवा और पांचवा भाव जो होता है हमारे कुंडली के प्रमुख ऐसे भाव हैं जो यदि ठीक हो जाए तो व्यक्ति को फाइनेंशियली वो जितना भी कमजोर हो वह व्यक्ति अच्छे से सर्वाइव कर लेगा, अच्छे से अपने जीवन को जी लेगा। ठीक है, पांचवा भाव, पांचवे भाव में यदि लग्नेश आके बैठ जाए तो मैंने अभी जस्ट आप लोगों को बताया वह व्यक्ति अपने बुद्धि को खुद कंट्रोल करेगा। वह व्यक्ति अपनी बुद्धि को खुद कंट्रोल करेगा। यह व्यक्ति अपने संतान को भी खुद कंट्रोल करेगा, जो मैंने बताया आप लोगों को। यदि दूसरे भाव का स्वामी, यदि जो सेकेंड हाउस है उस भाव का स्वामी यदि आकर यहाँ बैठ जाए पांचवे भाव में, उसे कौन कंट्रोल करेगा? उसका बैंक बैलेंस, उसका बैंक का बैलेंस उसकी बुद्धि को कंट्रोल करेगा, उसके परिवार उसके बुद्धि को कंट्रोल करेंगे। ये बहुत गलत है, ये सब जो योग हैं वो गलत हैं। क्यों गलत हैं?
सबसे अच्छे योग पांचवे में यही होता है कि भाई आपका जो लग्नेश है वो पांचवे में चला जाए, कि आप अपनी अपनी बुद्धि को खुद कंट्रोल कर लो। अब आपका परिवार आपकी बुद्धि को कंट्रोल कर रहा है, आपका परिवार जैसे आप कुछ करने जा रहे हो, कुछ कहीं आप कुछ पैसा वगैरह लगाने जा रहे हो या कुछ भी आप करने जा रहे हो, आपके फैमिली ने आपको कह दिया अरे यार वहां पैसा लगाओ डूब जाएगा, व्यक्ति नहीं लगाएगा, पीछे हट जाएगा, क्योंकि उसकी बुद्धि को उसके परिवार ने कंट्रोल किया हुआ है, हटा दिया। यदि तीसरे भाव का स्वामी यदि पांचवे में बैठ जाए, तीसरा भाव के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था ना, क्या है तीसरा भाव? तीसरा भाव हमारी होते छोटे भाई होते बहन अन्य, हाँ वो तो है ही, और भी कुछ है? स्वयं का पराक्रम, धैर्य, आयु, माता मतलब गुरु, गुप्त शत्रु, कला, हॉबी, हॉबी, सोशल मीडिया, फोन, इंटरनेट, ये सब थर्ड भाव। सोच लो ये क्या है। यदि तीसरे भाव का स्वामी पांचवे में चला जाए तो सोशल मीडिया आपके बुद्धि को कंट्रोल कर रहा है। हाँ, यदि एजुकेशन तीसरे हो का, हाँ तीसरे का स्वामी यदि पांचवे में चला जाए तो आपकी हॉबी आपको कंट्रोल कर रही है। यदि ऐसे व्यक्ति को ये जो पबजी वगैरह गेम है, यदि वह गेम वगैरह खेलने की उसे आदत लग गई ऐसे व्यक्ति को, तो व्यक्ति रियल अर्थात जो जो हमारा रियल जीवन है ना, उसमें भी चाहेगा कि हम पबजी खेल लें। बहुत गलत प्लेसमेंट होता है ये। उसकी हॉबी उसकी बुद्धि को कंट्रोल कर रही है, उसकी रुचि उसे कंट्रोल कर रही है। ठीक है, सोशल मीडिया उसे कंट्रोल कर रहा है। आप देखते हैं यूट्यूब हो, फेसबुक हो, कहीं भी आप जो देखते हैं ना, उससे रिलेटेड वो आपको देता है। ठीक है, यदि आप ज्योतिष के बारे में कुछ सर्च कर रहे हैं या ज्योतिष के बारे में कुछ पढ़ रहे हैं, तो आपसे नीचे जो कैप्शन में देगा वो ज्योतिष से रिलेटेड ही आपको देगा। सोशल मीडिया आपको कंट्रोल कर रही है। तो यदि आपके बच्चे के कुंडली में या आपकी कुंडली में ऐसी कुछ है, तो अपने बच्चे को बहुत सतर्क करके आप रखिएगा, बहुत ही संभाल के रखिएगा अपने बच्चे को, क्योंकि पांचवा सर, भाव तो मैं आपका तो संतान भी है ना, पांचवा भाव आपका संतान भी है। तो आपके संतान को उसकी हॉबी ही हो सकती है, उसकी हॉबी जो होगी वह आपके संतान को भी कंट्रोल करेगी, क्योंकि यहाँ सामने आप देख रहे हैं। तो इस स्थिति में यदि आपके बच्चे को पढ़ने की हॉबी लग जाए तो बहुत अच्छा है भैया, कि चलो भाई पढ़ाई कर रहा है, एजुकेशन ले रहा है, वो अच्छी बात है। यदि उसकी हॉबी थोड़ी गलत हो गई या सोशल मीडिया से भी वो थोड़ा गलत तरीके से ये हो गया, तो फिर समस्या होगी। तो वो चीजें जो होती है वो ऐसे व्यक्ति कुंडली में खासकर ध्यान देने योग्य, क्योंकि उसकी सोशल मीडिया ही उसे ये कर रहा है, उसके दिमाग को देख रहा है, उसके दिमाग को पढ़ रहा है। तो यहाँ हम यूटिलाइजेशन को कैसे काम करेंगे, कि अपने संतान को भाई बचपन से ही शिक्षा के बारे में समझाएं, कि शिक्षा शिक्षा शिक्षा, कि भैया पढ़ो, रुचि शिक्षा में आ जाए कि भाई हम निश्चिंत हो जाएं। यदि आपकी कुंडली में है तो आप भी थोड़ा मूव कर जाइए अलग तरीके में, कि रुचि कहीं और आपकी हो जाए, वो भी आपकी बुद्धि को ठीक कर देगा, क्योंकि बुद्धि ही सब कुछ है। आज के जीवन, आज हो या कल हो, जब भी हो, बुद्धि सर्वश्रेष्ठ है, वो कहा जाता है ना, अकल बड़ी या भैंस। तो अकल बहुत बड़ी है, तो अकल को कौन कंट्रोल कर रहा है? वो तीसरा भाव कंट्रोल कर रहा है। यदि चौथे भाव का स्वामी यदि पांचवे में चला गया तो क्या होगा यहाँ? इसके परिवार जो इमीडिएट फैमिली जो इसके पास में है, वह कंट्रोल इसे करेगा। इसके भूमि भवन और वाहन इसे कंट्रोल करेंगे। अब कैसे ये कंट्रोल करेंगे इसकी बुद्धि को? भाई मुझे गाड़ी लेना है, अब दिन रात उसका दिमाग उसी में लगा रहेगा कि गाड़ी लेना है। मुझे घर लेना है, उसमें ही दिमाग लगा रहेगा घर लेना है।
बुद्धि बुद्धि कहाँ की इसके पास है, घर की है। इसका जो इमीडिएट परिवार है, जो इसकी इमीडिएट फैमिली है, वह इसे इसकी बुद्धि को कंट्रोल कर रहा है। यदि इसने कुछ सोचा सुबह कि मैं करूंगा ऐसा, और घर जाके इसने लोगों को बताया कि भाई ऐसा ऐसा मैं करना चाह रहा हूँ, ऐसा मैं करूंगा, ठीक है, और इसके परिवार ने, इसके जो घर में जो लोग हैं, उन्होंने कह दिया कि भाई ऐसा करोगे तो अरे यार ऐसा हो जाएगा, वैसा, पीछे हट जाएगा, ये नहीं करेगा, क्योंकि इसकी बुद्धि को कौन कंट्रोल कर रहा है, इसका परिवार। यदि पांचवे का स्वामी पांचवे में बैठ गया तो बहुत अच्छी प्लेसमेंट है ये, बुद्धि बुद्धि के पास गई। एक तरीके से हम यह भी कह सकते हैं कि इस व्यक्ति का जो संतान होगा वह इस व्यक्ति के बुद्धि को, इस व्यक्ति के दिमाग को कंट्रोल करेगा। अच्छा, आप लोगों के आसपास कहा जाता होगा, आप लोगों ने भी सुना होगा कि अरे उसका जो है ना, वो तो उसका जो एक दोस्त है या फिर उसका जो फ्रेंड है या उसके घर के जो लोग हैं उसकी ही वो सिर्फ सुनता है। आपके आसपास भी लोग कहते होंगे इन चीजों को, ऐसी स्थिति बनती है वहां। कौन किसी चीज किसी किसी व्यक्तियों को देखा होगा आपने, वो किसी मोटिवेशनल स्पीकर का ये सुनते हैं और उसी पे अमल करना शुरू कर देते हैं, भाई वो जो कहा है वही सत्य है। वो तीसरा भाव पर, तीसरे तीसरा भाव का जो लॉर्ड है वो पांचवे में गया है, उसकी यह प्लेसमेंट है, ठीक है। पांचवे भाव का स्वामी यदि पांचवे में बैठ जाए तो आपका जो पूर्व जन्म का जो पाप कर्म या पुण्य कर्म है वह आपकी बुद्धि को कहीं ना कहीं कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। तो आपके पूर्व पूर्व जन्म के पुण्य कर्म या पाप कर्म, पुण्य कर्म नहीं, पाप कर्म भी है पुण्य कर्म भी है, तो आपके पूर्व जन्म के जो पुण्य कर्म है या पाप कर्म है वह आपकी बुद्धि को कंट्रोल करेंगे। किसी किसी व्यक्ति का ऐसा होता है कि उसके पास करोड़ों की संपत्ति है, बहुत कुछ है उसके पास, और उसकी बुद्धि ऐसी है कि उसने सब गवा दिया, कुछ उसके पास नहीं रहा। क्यों? यदि उसके पांचवें भाव का स्वामी पांचवें भाव में बैठा है और वह जो ग्रह है वो किसी प्रकार पीड़ित है, रिफ्लेक्टेड है, या उसके पूर्व जन्म के पुण्य कर्म नहीं है, उसके पूर्व जन्म के पाप कर्म है, तो उसकी बुद्धि तो पाप से पीड़ित हो गई, पाप में उसकी बुद्धि आ गई, तो व्यक्ति अपने पूरे संपत्ति को नष्ट कर देगा अपनी बुद्धि से। इसे बहुत अच्छी प्लेसमेंट भी मान सकते हैं, बहुत गंदी प्लेसमेंट भी मान सकते हैं। हर भाव हर ग्रह आपको नेगेटिव पॉजिटिव दोनों देता है, इसलिए मैं बार बार कहता हूं कोई कुंडली अच्छी नहीं होती, कोई कुंडली बुरी नहीं होती, आप देख कैसे रहे हो वो आप पे डिपेंड कर रहा है। यदि छठे का स्वामी पांचवे में चला गया, बहुत समस्या वाला ये होता है, छठे का स्वामी यदि पांचवे में चला गया तो छठा भाव आपका प्रारब्ध है। प्रारब्ध किसे कहते हैं हम, जो इस जन्म में हम आप पिछले कर्म के जो पुण्य कर्म या पाप कर्म है उससे जो हमारा भाग्य बना है, जो प्रारब्ध हमारा बना है उसे हम लेके आए हैं, वह प्रारब्ध कौन दिखा है, छठा भाव दिखाता है। यदि छठे भाव का स्वामी पांचवे में बैठ जाए, उस व्यक्ति का जो बुद्धि होगा ना, वो रोग री इन सब तो डिजीज इन सब पे ही है। ऐसा व्यक्ति यदि सेवा करे या फिर एस्ट्रोलॉजी का जानकार हो तो वो एस्ट्रोलॉजी की कंसल्टेशन फ्री में दे, आयुर्वेद का कोई काम करता हो तो आयुर्वेद संबंधित कोई काम अच्छे करे तो वह वो बहुत बेहतर उस व्यक्ति के लिए, ठीक है। यदि सातवें का स्वामी पांचवें में चला गया, आपके बुद्धि को कौन कंट्रोल करेगा, आपका पार्टनर, आपका बिजनेस पार्टनर हो या आपका लाइफ पार्टनर हो, वो आपके बुद्धि को कंट्रोल कर रहा है। ये भी जो प्लेसमेंट है वो इसे ठीक भी है ठीक नहीं भी है,
आपकी बुद्धि को कौन कंट्रोल कर रहा है? आपका स्पाउस कंट्रोल कर रहा है, आपका बिजनेस आपकी बुद्धि कंट्रोल कर रहा है। यदि आठ स्वामी पांचवे में चला गया, यदि आठवें का स्वामी पांचवे में चला जाता है तो कौन कंट्रोल कर रहा है वहां? कंट्रोलिंग फैक्टर किसके पास जाएगा पांचवे का? दुख का, पीड़ा का। ज्योतिष है सर, तो भाई हम लोगों के लिए है, जो ज्योतिष नहीं जानता है, जो आम आदमी है, उसके पास क्या जाएगा? दुख पीड़ा जाएगा। उसकी बुद्धि क्या होगी? दुख पीड़ा में उसकी बुद्धि काम करना बंद कर देगी। दुख पीड़ा कहाँ चला गया? पांचवे भाव में। जब भी उसका दिमाग काम करेगा तो उसमें सिर्फ वही होगा, अरे यार इतना दुख है, इतना पीड़ा है, इतना कष्ट है, क्या करें। मृत्यु के बारे में उस व्यक्ति, वह व्यक्ति भी मृत्यु को लेकर भी वह व्यक्ति चिंतित हो सकता है, सोच सकता है। नौवे भाव का स्वामी पांचवे में चला गया तो देगा, तो वह व्यक्ति का पिता उसकी बुद्धि को कंट्रोल करेगा, उस व्यक्ति का धर्म उसकी बुद्धि को कंट्रोल करेगा। ऐसा व्यक्ति का जो है ना, वो गुरु बहुत अच्छे से चूज करना चाहिए। तो टीचर आपका हो या जो गुरु आपका हो, वो बहुत अच्छे से आप चूज करो, क्योंकि आपका गुरु आपको डुबा भी सकता है, उठा भी सकता है। क्योंकि आपका जो टीचर कहेगा, जो आपका धर्म कहेगा, वही आपकी बुद्धि होगी। जैसे धर्म हमारे यहाँ बहुत सारे हैं, सनातन धर्म है, इस्लाम धर्म है, बहुत सारे धर्म हैं। हम अपने धर्म के अनुकूल चलते हैं। किसी किसी व्यक्ति को आपने देखा होगा, वो जब भी बात करेगा उसकी वाणी जो होगी ना, वो धर्म से ही होगी। उसकी जो बुद्धि है ना, बुद्धि में ही धर्म है। उसका धर्म जो कहेगा वही वह व्यक्ति करेगा। धर्मनिष्ठ से हम कहते हैं, तो हिंदी में कहा जाए तो धर्म की ओर उसकी निष्ठा रहेगी। ऐसे व्यक्ति का गुरु इस व्यक्ति के बुद्धि को कंट्रोल करेगा। अब बुद्धि को मैं सर्वत्र मानता हूँ, सब कुछ मानता हूँ। आपकी बुद्धि है तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। यदि आपकी बुद्धि तीक्ष्ण छीन है, तीक्ष्ण तो बहुत अच्छी बात है, बहुत है। यदि छीन बुद्धि आपकी है, बुद्धि नहीं है आपके पास, आप इंटेलिजेंट नहीं हो, तो फिर मामला गड़बड़ है। तो यदि नौवे का स्वामी पांचवे में चला जाए तो अच्छी प्लेसमेंट है। आपके गुरु आपको कंट्रोल कर रहे हैं, आपकी बुद्धि को कंट्रोल कर रहे हैं। तो गुरु बनाना तो बृहस्पति बनाना, शुक्र को मत बना लेना। शुक्राचार्य गुरु हो जाएंगे तो समस्या क्रिएट कर देंगे। यदि बृहस्पति गुरु रहेंगे तो समझा भी सकते हैं आपको। तो गुरु बहुत ही अच्छे सुनना चाहिए ऐसे व्यक्ति को। यदि दसवें का स्वामी पांचवें में चला जाए, एक रूल मैं बता दूं, जैसे नॉर्थ इंडिया में हम लोग नौवे भाव को पिता का कारक मानते हैं, और साउथ इंडिया में दस भाव को पिता का कारक मानते हैं। ठीक है, अभी तो हम लोग नॉर्थ इंडिया में हैं। तो उसके अनुसार इस व्यक्ति का कर्म, जैसा इस व्यक्ति का कर्म होगा वैसी इसकी बुद्धि होगी। ऐसा व्यक्ति के लिए जीना बहुत मुश्किल होता है। जो ऐसे व्यक्ति होते हैं ना, उनके लिए जीना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्यों? क्योंकि मैं ये नहीं समझता हूँ कि पूरे जीवन, अर्थात पूरे धरातल पे, इस धरती पे, पृथ्वी पे कोई भी ऐसा जीव है जो बुरे कर्म को नहीं करता है। सभी करते हैं, मैं हूं, आप हूं, या कोई शंकराचार्य हो, सभी बुरे कर्मों को कर रहे हैं, क्षमा करना। और इस व्यक्ति का बुद्धि, इस व्यक्ति का कर्म ही इस व्यक्ति का बुद्धि होगा। अब सोच लीजिए, अच्छे कर्म तो अच्छी बुद्धि, बुरे कर्म तो बुरी बुद्धि। इस व्यक्ति का प्रोफेशन ही इसकी बुद्धि होगी।
प्रोफेशन इसका बहुत बेटर चलेगा, बहुत अच्छा चलेगा, तो इसकी बुद्धि बहुत अच्छी चलेगी। प्रोफेशन खत्म, अरे मुझे तो पता ही नहीं चल रहा क्या करना है। ऐसे व्यक्ति के लिए सिर्फ यूटिलाइजेशन ही है, कर्म अच्छा करो और कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। जितना नारियल का और ये वो प्रवाह करते रहो नदी में, कुछ नहीं होने वाला है। क्योंकि नारियल प्रवाह ये वो तो बहुत सारी चीजें हैं, परंतु मैं इन सब चीजों को बहुत ज्यादा नहीं मानता हूं। काम करती है, ऐसा नहीं है, सभी काम करती है, सारे उपाय काम करती है हमारे जीवन में, परंतु कहीं ना कि कहीं गुरुजी, क्योंकि गुरुजी वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन हो जाता है सामने वाले का, दैट्स व्हाई ये चीजें फिर ऑटोमेटिक वर्क्स करने लगती हैं, उसके बिलीफ सिस्टम में वो फीड हो जाता है, सबकॉन्शियस माइंड में। अवचेतन मन में, ठीक जी है। तो जो रेमेडी जो होती है ना, इन सब चीजों पे ज्यादा लोग फोकस इन सब चीजों का नहीं करते हैं। जैसे नारियल बहा दो, ये कर दो, वो कर दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो, यह भी काम करता है। तब काम करता है जब आप अच्छे से इसे भी कर रहे हो, नियम से कर रहे हो, जो कहा जा रहा है वो कर रहे हो, ठीक है। ये जो राशियां हैं, यह सभी राशियों के डायरेक्शन भी होते हैं, सभी राशियां के एलिमेंट भी होते हैं। तो जो आप कोई भी पर्टिकुलर आप रेमेडी कर रहे हो, तो उसके लिए आपको राशियों की बहुत अहम भूमिका होती है। वह राशियां ही आपको बताएंगी कि क्या कैसे और कौन से उपाय को करना है। यदि आप उपाय ऐसे ही कर रहे हो, तो फिर कोई कुछ काम नहीं करने वाला है। उपाय काम करता है, साल 2 साल 6 महीने पे काम करता है, यूटिलाइजेशन 10 से 15 दिन में काम करना शुरू कर देता है, ठीक है। अब 11वें भाव का स्वामी बैठ जाए, यह भी ठीक नहीं है। 10वें भाव पे एक चीज और देख लीजिए, 10वां भाव हमारा पब्लिकली जो समाज है ना, पब्लिक पब्लिक 10वां भाव है। पब्लिक इस व्यक्ति की बुद्धि को कंट्रोल करेगा। 11वां भाव फ्रेंड सर्कल है, फ्रेंड सर्कल इस व्यक्ति के बुद्धि को कंट्रोल करेगा, इस व्यक्ति के संतान को कंट्रोल करेगा। आप जितना दोनों को रिलेट कर सकते हो, जितना अंदर आप जा सकते हो। 11वां भाव लाभ है, लाभ इस व्यक्ति को कंट्रोल करेगा। 11वां भाव बड़े भाई बहन होते हैं, बड़े भाई बहन इस व्यक्ति के बुद्धि को कंट्रोल करेंगे, इस व्यक्ति के संतान को कंट्रोल करेंगे। आपने कभी, ये मैं तो संतान का बचपन, तो आपने ये फिफ्थ हाउस बताया था ना, संतान का, तो फिर 11वां कैसे संतान? आप समझिए जो मैं कह रहा हूं उसे थोड़ा अच्छे समझने का प्रयास कीजिए। मैंने वही कहा पूछ रही। कि 11वां भाव जी कंट्रोल 5वें को कर रहा है, 11वें भाव का अच्छा, लॉर्ड 5वें में गया है, तो 11वां भाव उस ओके व्यक्ति के संतान को कंट्रोल करेगा, ठीक है। अच्छा अच्छा ओके ओके गुरुजी, थैंक यू। जैसे बचपन में आप लोगों ने कैसा क्या रहा हो, बचपन सबका कुछ अलग होता है। मैंने देखा है कि जैसे कुछ आपके फ्रेंड है, ठीक है, यदि आप कहीं खेलने जा रहे हो और आपके फ्रेंड आपको आपके साथ जा रहे हो, आप उनके साथ जा रहे हो, आप उनके घर गए उन्हें बोलने के लिए कि भाई चलो मैं थोड़ा खेल कर आते हैं, चलो कहीं खेलने चलते हैं, ठीक है। वह व्यक्ति जिसके पास आप गए हो कि चलो खेलने, वह व्यक्ति मना कर दे मैं नहीं जाऊंगा, तो आप भी नहीं जाओगे। क्यों नहीं जाओगे? क्योंकि आपके कुंडली में 11वें भाव का स्वामी 5वें में गया है। आपके खेल कूद, आपकी क्रिएटिविटी का भी कंट्रोल कौन कर रहा है? आपका फ्रेंड कर रहा है। आप कुछ बना रहे हो, कुछ अलग कर रहे हो, ठीक है, क्योंकि उत्पत्ति का कारक है, क्रिएशन का कारक है 5वां भाव। आप कुछ बना रहे हो, कुछ आप अलग कुछ तैयार करना चाह रहे हो, वहां आपके दोस्त फ्रेंड ने आके बोल दिया अरे यार क्या ये कर रहे हो।
ठीक है, तो वहां आप क्या कहोगे, अरे यार क्या कर रहे हो, आपका फ्रेंड आके आपने उस काम को बंद कर दिया, क्रिएशन खत्म। या आपके दोस्त ने, आपके फ्रेंड ने कुछ आपको सुझाव दिया, कुछ अच्छे सुझाव आपको दिए कि भाई आपको ऐसे करना चाहिए, आपने किया, वो भी अच्छी चीजें हैं। तो आप क्या कर रहे हो, आपकी बुद्धि पे किस व्यक्ति का कंट्रोल है, या आपकी कुंडली बता रही है। 12वें भाव का स्वामी यदि आ जाए यहाँ, दिन रात वह खर्चे ही करेगा, खर्चे में ही उस व्यक्ति का दिमाग रहेगा। अब हमारी आवाज जा रही है आप लोगों के पास? हाँ गुरु जी, अभी आ रही है, बीच में बंद हो गई थी ये बोलिए। क्रिएशन। आपका फ्रेंड ने सुझाव दिया, उसके बाद बंद हो गया। वो इंटरनेट के कारण, ठीक है। इंटरनेट का भाव कौन सा है? तीसरा हाउस धन्यवाद। थर्ड हाउस है इंटरनेट का। तो इससे भी हम कहाँ बात कर रहे थे, 11वें भाव पे। 11वें भाव का स्वामी यदि 5वें में चला जाए तो इन सब चीजों को देगा। पहले या दूसरे क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि भाव एक मार्केट है, ठीक है। ग्रह जो है वो मार्केट से लाने वाले आपके, मैं सर्वेंट तो नहीं कहूंगा, गलत है वो, परंतु वहां से लाने वाले आपके लोग हैं, मार्केट से सामान डिलीवर करने वाले आपके लोग हैं, ठीक है। तो क्या डिलीवर हो रहा है उस पर पहले ध्यान देना है। अब जो डिलीवर कर रहा है उसने अपना क्या ऐड किया है वो तो है ही, परंतु वो कहाँ से क्या ला रहा है और क्या डिलीवर कर रहा है, यह बहुत बड़ी चीज है। अभी जो मैं बता रहा हूँ यह एक पुस्तक का है, इसे लघु पराशरी होरा शास्त्र कहते हैं, ठीक है। लघु पराशरी होरा शास्त्र के अंतर्गत यह आता है। ये चीजें आपको यहाँ देखने को मिलती हैं। 12वें भाव का स्वामी यदि 5वें में चला जाए तो व्यय है, खर्च है, हॉस्पिटल है, जेल यात्राएं हैं, इन्वेस्टमेंट है। यदि ग्रह अच्छा हो तो व्यक्ति इन्वेस्ट के चक्कर में पड़ा रहेगा कि मुझे इन्वेस्ट करना है, कहीं भी करूं करूंगा। यदि वहां मैलिफिक प्लैनेट आ जाए, प्लैनेट पे भी नहीं जा रहे हैं, एक थोड़ी सी ऐसे ही, यदि वहां कोई मैलिफिक प्लैनेट आ जाए तो व्यक्ति क्या करेगा, खर्च पे आ जाएगा कि मुझे खर्च करना। तो डिलीवर क्या हो रहा है वो हम समझ गए। अब डिलीवरी में, डिलीवर क्या हो रहा है, वह डिलीवर जो डिलीवरी बॉय है वह आपको नेगेटिव या पॉजिटिव दे रहा है वह बताएगा। ग्रह आपको बताएगा कि भाई वो नेगेटिव दे रहा है या पॉजिटिव दे रहा है। यहां तक में आप लोगों का कोई प्रश्न है तो बताइए। गुरु जी, ये जो आपने बताया 12वें भाव का स्वामी जब 5वें में चला जाएगा तो वही संतान का रहेगा कंट्रोल, इसका थोड़ा सा संतान का कैसे कंट्रोल रहेगा? मतलब वो संतान के ऊपर खर्च करेगा या ऐसा कुछ। इसका संतान खर्च करेगा यह हम कह सकते हैं। हाँ, वही पूछ रही थी। संतान के ऊपर खर्च नहीं करेगा, संतान खर्च करेगा। इस व्यक्ति का जो संतान अच्छा होगा वह पैसे को ज्यादा खर्च करेगा। यह व्यक्ति खुद व्यय करेगा चीजों को, या फिर यह खुद इन्वेस्ट करेगा चीजों को, ठीक है। ये जो आपने बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा है, यदि 5वें का स्वामी यदि 12वें में चला जाए, 5वें का स्वामी यदि 12वें में चला जाए तो वह व्यक्ति अपने संतान पे खर्च करेगा, अपनी शिक्षा पे खर्च करेगा, ठीक है। समझ में आ रही है चीजें? हाँ जी गुरु जी, और 12वें आपने बोला 12वें का 5वें में चला जाए तब। हाँ, तब ये दोनों को थोड़े से पलट देना है, थोड़ा सा इधर उधर कर देना है, वो चीजें आपकी क्लियर हो जाए, हाँ, अच्छा, जी, ठीक है। यहां तक कोई प्रश्न आप लोगों का है? यदि पंचम का स्वामी नवम में हो तो। पंचम का स्वामी यदि नवम में हो तो, जैसे इस कुंडली पे आते हैं हम, इस कुंडली का 5वें का स्वामी नवम में, ठीक
ठीक है, मंगल को ले लेते हैं, ठीक है। पांचवा भाव किसे कंट्रोल कर रहा है? नौवे भाव को। इससे बहुत सारी प्रेडिक्शन हम कर सकते हैं। सबसे पहला, पांचवा भाव क्या है? बुद्धि है। नौवा भाव क्या है? धर्म है। यह अपनी बुद्धि से अपने धर्म को कंट्रोल करेगा। दूसरा, पांचवा भाव क्या है? संतान है। नौवा भाव क्या है? पिता है। इसका संतान इसके पिता को कंट्रोल करेगा, ठीक है। इससे फिर आगे बढ़ते हैं, पांचवा भाव शिक्षा है। नौवा भाव बड़ी यात्राएं हैं, लंबी यात्राएं हैं। यह व्यक्ति शिक्षा के लिए लंबी यात्रा करेगा, ठीक है। अब बहुत चीजों से इसे आप रिलेट कर सकते हो। यदि नौवे का स्वामी पांचवे में चला जाए तो लंबी यात्रा यहाँ हो रही है, ठीक है, परंतु तो शिक्षा के लिए नहीं हो रही है, धर्म के लिए होगी। के लिए होगी। तो यही थोड़ी थोड़ी चीजें जो है ना उससे समझना है। आप भावों को रिलेट करना सीख जाएंगे हाँ गुरु जी, तो थोड़ा सा एक कंफ्यूजन है कि जैसे बताइए। पांचवे का नवे में चला जाए या नवे का पांचवे में चला जाए, तो मतलब संतान करेगी पिता को या पिता करेगा संतान को, ये हमको लग्न से या कैसे पता चलेगा कौन एक दूसरे को कंट्रोल करेगा? बात तो समझ में आ गई कि पिता हावी रहेगा कि संतान हावी रहेगी, ये कैसे पता चलेगा? जो हावी शब्द है ना वो यहाँ पे नहीं, कंधे नहीं काम करेगा। हावी का होना अच्छा है हावी का हो जाएगा मैलेफिक। अच्छा अच्छा जैसे अच्छा ज्योतिष जो है वो हमारे शब्दों पे चलती है। अच्छा वो आप छो क्या नहीं बोल रहे सॉरी, हो? मतलब जैसे आपने बोला ना कि पंचम भाव इधर पे चला जाए तो संतान इसको कंट्रोल करेगा, तो हमको कैसे पता चलेगा कि पिता करेगा कि संतान? ठीक है, बता रहे हैं आपको, समझिए। पांचवे भाव का स्वामी नौवे में चला जाए, ठीक है। इस व्यक्ति का पांचवा भाव क्या है? संतान है। जिसके जातक, जातक जिसकी है, कुंडली है, कुंडली को समझिए। पांचवा भाव क्या है? संतान है। तो ये जातक का संतान एक, दूसरा पांचवा भाव, ये नौवा भाव क्या है? पिता है। तो इस जातक पिता का पिता, तो इस जातक का जो बेटा होगा वो इसके पिता को, अर्थात इस जातक का जो कहा जाए इस जातक का जो लड़का होगा या लड़की होगी अपने दादाजी को कंट्रोल करेगा। दादाजी इधर चलो तो चलो, दादाजी उधर चलो तो चलो। समझ में आया? जी गुरु जी, यदि मान लीजिए बुद्धि को हम ले आते हैं यहाँ, पिता को रखते हैं, ठीक है। तो इस जातक का पिता हो गया, पांचवा भाव बुद्धि हो गई। पांचवा भाव का स्वामी यदि नौवें में चला जाए तो इस जातक की बुद्धि इसके पिता कंट्रोल करेगी। कैसे? हाँ, यदि पांचवे भाव का स्वामी वहां जा रहा है तो इस व्यक्ति की जो इंटेलिजेंस, इस व्यक्ति की जो बुद्धिमता होगी ना, वो अपने पिता को सुझाव देगी किसी किसी चीजों में कि पिताजी ऐसे नहीं, ऐसे आप कर लो। तो पिता वो करेगा। क्यों करेगा? माफ करना, पिताजी करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि इस व्यक्ति का बुद्धि अपने पिता को डोमिनेट कर रहा है। इसे हम लग्न पे अप्लाई करते हैं। देखिए, सिर्फ थोड़ी सी समझ में ही ज्योतिष है और कुछ नहीं है ज्योतिष। थोड़ा सा आप चीजों को समझ गए वही ज्योतिष है। मान लीजिए आपको थोड़े अलग अलग तरीके से ज्योतिष में शब्द को थोड़े अलग तरीके से, जैसे शनि राहु, राहु शनि, शब्द दोनों एक ही हो रहे हैं, एक ही ग्रह आ रहे हैं, परंतु दोनों का प्रेडिक्शन अलग हो जाएगा। राहु शनि का प्रेडिक्शन अलग होगा और शनि राहु का प्रेडिक्शन अलग होगा। वैसे ही पांचवे भाव का स्वामी यदि नौवे में जा रहा है तो इस व्यक्ति का बुद्धि कंट्रोल करेगा अपने पिता को। यदि लग्न का स्वामी नौवे में जा रहा है तो ये व्यक्ति खुद करेगा अपने पिता को कंट्रोल। कैसे? पांचवे भाव का स्वामी यदि नौवे में जाएगा तो यह इसके जो पिता होंगे
इस व्यक्ति इसको सुझाव ले सकते हैं अपने पिता को, या अपनी बुद्धिमता से, अपनी इंटेलिजेंस से यह सुझाव दे सकता है। यदि लग्नेश चला जाएगा 9वें में, तो यह व्यक्ति अपने पिता को सुझाव नहीं देगा, या फिर अपने पिता को कहेगा कि भैया पिताजी ऐसा करना है। दोनों में अंतर है, एक है, एक होगा, एक करेंगे, इन सब शब्दों में अंतर है। हिंदी यही है, और इससे ही ज्योतिष को आप अच्छे समझ पाएंगे। इंग्लिश में जब चले जाइए तो यू भी आप है, तुम भी आप है। यू जो है वह आप है, तुम जो है वह भी यू है। यू अर्थात समझिए, फिर पूछिए अगले से, यू है क्या भाई? ठीक है, हम इस फिलोसफी नहीं करेंगे इन चीजों में, बहुत चीजें हो जाएंगी फिर आगे। ये चीजें अब समझ में आ रही हैं आप लोगों को? यहां तक में कोई प्रश्न है तो बताइए हमें। नहीं गुरु जी, बहुत अच्छे से समझ में आया। जी आशुतोष जी, आपको समझ में आ रही है? जी, सर, जी सुनीता जी, आपके समझ में आ रही है चीजें? हाँ, जी आ रही है। आपको तो भाई पहले से ही पता होगा ये सब चीजें। गुंजन सब नहीं, अवेलेबल कुछ है क्लास में? नया चीज है। गुंजन आप अवेलेबल हैं? हाँ, जी गुरु जी, समझ में आ रहा है? कहीं कोई समस्या है तो बताइए। जी गुरु जी, समझ में आ रहा है। चलिए, अच्छी बात है। प्रमुख इस पे प्रश्न जो था वो सदा जी का था। उनका एक मैसेज हमारे पास आया था कि भाई थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है कल के क्लास को लेकर, आप बता दीजिए हमें। तथा आपको समझ में आ रही है चीजें? हाँ, समझ में आ रहा है। चलिए ठीक है, अब इस पे ग्रहों को बिठाकर भी हम समझेंगे, परंतु अभी नहीं, उस पे सोमवार को चर्चा करेंगे। ग्रहों को बिठाकर और भी जो चीजें हैं उस पे आप लोगों को हम बता दें। इसके बाद हम लोग चलेंगे ग्रहों की, ये ग्रह को पहले समझ लें, उसके बाद ग्रहों के युति को समझेंगे। जैसे दो ग्रह बैठे हैं, वो क्या देंगे? अब जो दो ग्रह बैठे हैं, बस वाकई बैठे हैं या नहीं बैठे हैं, यह भी होता है। जैसे इस कुंडली में देख लिए, सूर्य और बुध एक साथ बैठे हैं, तो इसे हम सूर्य बुध की युति कह सकते हैं, परंतु तो यह वाकई युति है या नहीं है? नहीं, आप बुध को बकरी देख रहे हैं, इसलिए आप कह रहे हैं युति नहीं है। ठीक है, तो यदि बुध बकरी भी नहीं, बकरी वहां नहीं हो, मान लीजिए बुध वहां बकरी नहीं है, तब भी वहां युति है या नहीं है, वह भी देखने के लिए हमें एक सूत्र होता है, उसे समझना होगा। उस सूत्र को समझने के बाद हम इसे समझ पाएंगे डिग्री वाइज, क्योंकि डिग्री के अंतर्गत ही युति होती है। दीप्तांश से हम समझेंगे उसे कि भाई युति है या नहीं है, इस सब चीजों पे समझेंगे। उसके बाद आगे हम तो पढ़ ली विवाह मैरिज, इन सब चीजों पे आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जब तक कुंडली को समझना या देखना हम नहीं सीख जाए, तो इवेंट को देखना या समझना वो फिर मूर्खता हो जाएगी। क्योंकि कुंडली ही हमें जब समझ में नहीं आ रहा है, तो हम चीजों को कैसे समझ पाएंगे? और सबसे बड़ी बात यह है कि जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी आपकी ना, क्लास में हो या बाहर हो, वो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि हो सकता है, क्योंकि हम बहुत ज्यादा समय आप लोगों का ले रहे हैं, आज लगता है 16 या 17 दिन होने वाला है, और हम आपको इन सब चीजों में ही रखे हुए हैं, तो प्रश्न हो सकता है आपका कि भाई बहुत धीरे चल रहा है कोर्स हमारा। धीरे तो चल रहा है, परंतु तो जो गुरु जी, कछुए आप की क्या जो चाल नए होती नए आ है वो जाते हैं ना बहुत गुरु बेहतर है। जी, नहीं तो गुरु जी आप जो नए नए लोग आ जाते हैं उनके बेस को लेकर चल रहे हैं, तो एक अच्छा गुरु वही होता है ना जो सबके ठीक है, हिसाब से टॉपिक लेके चले। उसके लिए तो आपको साधुवाद। इन सब चीजों को लेकर चलना है। अगले क्लास में फिर हम चर्चा करेंगे इसी विषय पे, अर्थात जो भाव है, भाव को ही रिलेट करेंगे। 2-4-10 कुंडली पे रिलेट करके आप देखिएगा क्या रिजल्ट वहां दे रहा है। ठीक है, क्योंकि अभी समझिए तो हमने ग्रहों को नहीं लिया है, सिर्फ भाव को एक दूसरे से मिला के हमने समझ लिया कि भैया ये क्या कर रहा है। ग्रह राशि सबको छोड़कर सिर्फ भाव को ही हम पकड़ के चल रहे हैं, तो इतनी प्रेडिक्शन हम निकाल लेंगे, इतनी क्या बहुत निकाल लेंगे। यदि 5वें का स्वामी 7वें में बैठ जाए तो क्या होगा? इस व्यक्ति की बुद्धि इसके
स्पाउस को कंट्रोल करेगी, इसके पार्टनर को कंट्रोल करेगी, इसके बिजनेस को कंट्रोल करेगी। यदि छठे का स्वामी सातवें में चला जाए तो क्या होगा? इसका शत्रु, इसका जो एनिमी है, वह कंट्रोल करेगा इसके जीवन साथी को, इसके पार्टनर को, इसके बिजनेस को, इन सब चीजों को। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, कल फिर हम लोग क्लास में उपस्थित, माफ करना, सोमवार को फिर क्लास में उपस्थित होंगे।